नमस्कार, आप देख रहे हैं पटवारी न्यूज में सूचक बार। हम सुंदरबनी में हैं, जहां तालाकोट सुंदरबनी से अनुसूची से जो ठाकुर रणधीर सिंह भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो उनकी आज रैली है। रैली को संबोधित करने के लिए श्री राणा सिंह आ रहे हैं। हम सीधी बात करते हैं भाजपा के स्टेट सेक्रेटरी से कि जो आज जहाँ पे रैली है, कितना लाभ मिलेगा भाजपा को? देखो, जिस तरह से आप देख रहे हो कि पूरी रैली का ग्राउंड है पूरी तरह भर चुका है, निसंदेह 15 से 20 हज़ार की संख्या यहाँ पर बैठी हुई है। आपको यहाँ से दिख रहा है कि हमारे पार्टी की कालाकोट सुंदरबन की सीट है वो निश्चित है, जो हम जीतने वाले हैं, बड़े अच्छे मार्ग से जीतने वाले हैं। आप संख्या देख रहे हैं लोगों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं रैली में। आने वाले समय में आप देख सकते हो, जब 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी, बोर्ड रिजल्ट निकलेगा, तो सर भाजपा ही भाजपा, सिर्फ भाजपा ही भाजपा दिखाई देगी यहाँ से। इस टाइम देखिए, अगर भाजपा की सरकार एक बेरोजगारी का या महंगाई का बड़ा मुद्दा, देखो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी कहीं भी नहीं है। बेरोजगारी से आप लोगों ने एक हवा फैलाया बेरोजगारी का, आप काम बेरोजगारी उन लोगों के लिए काम नहीं करते, काम करते हैं उनके लिए, कोई बेरोजगारी नहीं है। और अगर यही बात महंगाई की, समय के साथ इन्फ्लेशन होती है, अगर इन्फ्लेशन को आप जानते हो कि महंगाई बढ़ती है, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले कितनी महंगाई थी और 10 या 12-15 सालों में कितनी महंगाई बढ़ी, आप देख सकते हैं। 25 को लक्षण है, क्या संदेश रहेगा जनता के लिए? 25 को इलेक्शन में यही संदेश रहेगा कि आप बढ़ चढ़ कर वोट डालें, सुबह जल्दी उठें, वोट डालें।